गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, नवीन राजस्थान सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आपका अभिनंदन है। जैसे कि आप जानते हो, अपना चैप्टर 4 चल रहा था, सिहार की चतुराई, वो पार्ट अपने समझ लिया है, उसके कुछ क्वेश्चन आंसर कर लिए, उसके शब्दार्थ भी कर लिए और आप सबने याद भी कर लिए हैं। तो आज हम क्या करेंगे, इस पार्ट की कुछ क्रियाएं रह गई है अपनी, जो आज हम इसे फाइनल करेंगे। तो आज अपना लेक्चर क्या हो जाएगा बेटा, फाइनल हो जाएगा। ठीक है बेटा, फाइनल होते ही मैं आपका एक टेस्ट लूंगी। तो आपको क्या करना है, ध्यान पूर्वक मेरे साथ जो भी कार्य करवाती हूँ नोटबुक के अंदर लिखना है और उसे याद प्रतिदिन करना है, और जो पार्ट मैं पूरा करा लेती हूँ और उस पार्ट को क्या करना है बेटा, आपको बार बार उस पार्ट को पढ़ना है। और कुछ शब्द कठिन है लेकिन मैं पाठ का वाचन दो बार करवाती हूँ बेटा। जब मैं वाचन करवाती हूँ फिर दोबारा पढ़ समझा, जब दोबारा पढ़ती हूँ तो आपकी असुविधा उसमें निकल जाती है। तो हो सकता है कुछ शब्द आपको पढ़ने में दिक्कत है, आप पेंसिल से अंडरलाइन कर लीजिए और जब अपनी स्कूलें खुलती हैं तो मैं आप मेरे साथ जो भी डाउट है अपने क्लियर हो जाएंगे बेटा। ठीक है, अब अपन चलेंगे क्या समझा पाठ से। देखो अपने विचार कीजिए, ये मौखिक प्रश्न अपने हो चुके थे बेटा। देखो एक बार फिर क्वेश्चन रिपीट कर लेते हैं। पहला है, आप मगरमच्छ को मूर्ख कहेंगे या बुद्धिमान, तो पहले में क्या आएगा, मूर्ख, लिख लिया सबने। सेकंड, अगर सियार की जगह आप होते तो मगरमच्छ से कैसे बचते, कैसे लिखोगे, सियार की तरह ही योजना बनाकर तरकीब बनाकर बच जाते हम भी। अगर सियार चतुर ना होता तो क्या होता, क्या लिखोगे, मगरमच्छ उसे खा जाता। सबने लिख लिया ना बेटा, जिन्होंने नहीं लिखा है वो अभी लिख लो। वैसे सबने लिख लिया होगा, एक आंसर सबको अच्छी लगी, सबने लिख लिया। जिन्होंने नहीं लिखा है वो अभी लिख लीजिए बेटा। ठीक है, क्या समझा पाठ से। क्या समझा पाठ से, ठीक है बेटा, क्या समझा पाठ से, यानी ये क्या कह रहा है, आपने पाठ पढ़ा है ना सबने, तो आपने पाठ के अंदर क्या क्या समझा। देखिए मैं भी देखती हूँ आज कितने क्वेश्चन के आप आंसर दे पाते हो। सिहार पानी पीने के लिए कहाँ गया, पहला क्वेश्चन क्या अपना, सिहार पानी पीने के लिए कहाँ गया, बताओ। देखिए सिहार पानी पीने के लिए कहाँ गया था, सबको आता है लेकिन मैम सामने नहीं है, उसे आंसर कैसे बताए, है ना, सबको आता है ना, वेरी गुड। सिहार पानी पीने कहाँ गया, नदी के पास गया, कहाँ गया था, नदी के पास गया था। तो लिखो मेरे साथ साथ आप आंसर, बोलो सिहार पानी पीने के लिए नदी के पास गया, क्या लिखोगे, सिहार पानी पीने के लिए नदी के पास गया। ठीक है बेटा, आ गया सबको उत्तर समझ में, वेरी गुड। सिहार पानी पीने के लिए नदी के पास में गया। यहाँ पे दो लाइन करने के बाद थोड़ा सा गैप देना है बेटा, ताकि अपना काम चिपका चिपका गंदा गंदा न हो, काम अपना कैसा हो, साफ सुथरा हो। अगला है, जानवर नदी पर पानी से क्यों डरते थे, जानवर नदी पर आने से क्यों डरते थे, जानवर नदी पर आने से
क्यों डरते थे? पता है आपको भाई जंगल के जो जानवर थे ना वो नदी में क्यों डरते? क्योंकि मगरमच्छ उसे खा जाता था, इसीलिए नहीं आते थे। सबको आता है ना बेटा इसका आंसर? जानवर नदी पर आने से क्यों डरते थे? क्योंकि जानवरों को तो मगरमच्छ खा जाता था, इसीलिए वो नहीं आते थे। नदी पर आने वाले जानवरों को खाकर अपना पेट भरता था। तो क्या लिखोगे? मगरमच्छ नदी पर आने वाले जानवरों को खाकर अपना पेट भरता था, इसलिए नदी पर आने से जानवर डरते थे। आगे बेटा सबको समझ में? देखो, जानवर नदी पर आने से क्यों डरते थे? क्यों डरते थे बेटा? क्योंकि मगरमच्छ उन्हें खा जाता था। तो कैसे लिखोगे बोलो? मगरमच्छ नदी पर आने वाले जानवरों को खाकर अपना पेट भरता था। या भेट होगी बेटा, पेट लिख लेना, सॉरी बेटा, यहाँ पे सही करो एक बार, पेट यानी खाकर अपना पेट भरता था, इसलिए नदी पर आने से जानवर डरते थे। फिर आप बेटा गैप देना है हल्का सा, तीन लाइन छोड़ देना अपनी। फिर अगला क्वेश्चन किया अपना, मगरमच्छ ने सियार की टांग छोड़कर लकड़ी क्यों पकड़ ली? मगरमच्छ ने सिहार की टांग को छोड़कर लकड़ी को क्यों पकड़ दी? यानी मगरमच्छ ने सिहार की टांग को छोड़कर लकड़ी को क्यों पकड़ लिया? यानी लकड़ी क्यों पकड़ लिया? टांग को छोड़ देता, यानी छोड़कर लकड़ी क्यों पकड़ ली? लकड़ी क्यों पकड़, यहाँ पे ली लिख लो बेटा ताकि सेंटेंस सही जम जाए अपना। क्यों छो पकड़ ली थी बेटा? मगरमच्छ को ऐसे लगा कि मुझसे कोई गलती हो गई है, क्योंकि मगरमच्छ ने सोचा कि उससे गलती हो गई है। क्योंकि मगरमच्छ ने सोचा कि उससे गलती हो गई है। यानी मगरमच्छ ने क्या सोचा? उससे गलती हो गई है, उसने सिहार की टांग की जगह लकड़ी को पकड़ लिया है, तो उसने क्या करा? उसे छोड़ दिया। तो क्या लिखोगे? क्योंकि मगरमच्छ ने सोचा कि उससे गलती हो गई है। अगला क्वेश्चन, गुफा के पास सरकने से निशान देखकर सियार को क्या संदेश हुआ? गुफा के पास सरकने से गुफा के पास सरकने के निशान देखकर सियार को क्या संदेह हुआ? देखकर
सिहार को क्या संदेह हुआ? क्या संदेह हुआ था कि आज तो मेरी गुफा में कोई जानवर आके बैठ गया है। किसको संदेह हुआ था? सिहार को कुछ शक हुआ था। निशांग को क्या हुआ था कि उसकी गुफा के अंदर कोई जानवर सिरक कर बैठा है। गुफा के पास सरकने की निशान को देखकर सिहार को क्या संदेह हुआ? आज तो कोई मेरी गुफा के अंदर कोई जानवर आके बैठा है। क्या लिखोगे? उसकी गुफा के अंदर कोई जानवर सिरक कर बैठा है। उसे संदेह हुआ कि आज तो मेरी गुफा में कोई जानवर बैठा है। आगे बड़ा समझ में आपको? यानी गुफा के पास सरकने के निशान को देखकर सिहार को क्या शक हुआ था? यानी उसे संदेह हुआ कि आज तो मेरी गुफा में कोई जानवर आके बैठ गया। अगला क्वेश्चन है, अंत में मगरमच्छ कहाँ चला गया? आता है सबको? अंत में मगरमच्छ कहाँ चला गया? अंत में मगरमच्छ नदी के पास चला गया। समझ में आ गया बेटा सबको? एक क्वेश्चन सबको आते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, इनको लिखना है। क्योंकि जब अपन लिखते हैं तो लिखने से अशुद्धियाँ भी दूर होती हैं और लिखने से हमें किताब का वाचन भी करना आता है, क्योंकि आप बोल बोल के लिखते हो और याद करने में हमें दिक्कत नहीं आती है। तो आप सब बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा एक बार। सबने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा? वेरी गुड। वैसे सबने आपने मेरे साथ उतार लिया होगा इस कार्य को, ताकि हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े बेटा। अगला क्वेश्चन निकालो बेटा। देखो अगला क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, खाली स्थान को भरना है। देखो आपको ऐसा करती हूँ, खाली स्थान मैं घर के लिए दे देती हूँ, ठीक है? भाषा की समझ के कुछ क्वेश्चन आंसर मैं आपको यह करा लेती हूँ, क्योंकि खाली स्थान आपके लिए इजी रहेंगे, आप आराम से कर लोगे इनको। भाषा की समझ की अलग करा लेती हूँ मैं आपको, ठीक है? भाषा की समझ। पहला क्वेश्चन है, पाठ से छाटकर ऐसे चार शब्द लिखिए। जिनमें चंद्रबिंदु का प्रयोग हुआ है। जिनमें
चंद्रबिंदु का प्रयोग हुआ है। ठीक है बेटा, अब देखो ऐसे ऐसे शब्द लिखने हैं आपको जिसमें क्या आता है चंद्रबिंदु। मैंने आपको समझाया था कि चंद्रबिंदु इस तरह से होता है जिसे हम अनुनासी चिन्ह भी कहते हैं। तो ये शब्द छाटने हैं जिसमें क्या आता है चंद्रबिंदु आता है। तो लिखो मेरे साथ साथ आप, टांग हसा यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ। इसके अलावा आप लिख सकते हो गांव, पांच, आख, नाव। ये शब्दों में चंद्रबिंदु आता है लेकिन आपको क्या करना है पाठ में से ही छाड़कर लिखना है। अब कर्म सुधार क्वेश्चन क्या अपना, ये तो हो गया भाषा की समझ। अब है कर्म सुधार, आपको क्या करना है शब्दों को उल्टे सुलटे दे रखा है, आपको उसको सही जमा लेना है। निम्नलिखित शब्दों को सही क्रम में लगाकर वाक्य बनाइए। निम्नलिखित शब्दों को सही क्रम में लगाकर वाक्य बनाइए। ठीक है, तो देखो पहला है थे डरते जानवर आने पर नदी से, ये वाक्य उल्टा सीधा है। थे डरते जानवर आने पर नदी से, इस तरह से अपन को क्या दे रखा है वाक्य दे रहे, उल्टा वाक्य ये। आपको क्या करना है इस वाक्य को सही करना है, इस वाक्य को क्या करना है सही करना। क्या देखो नदी पर आने से जानवर डरते थे, देखो नदी नदी पर आने से जानवर डरते थे। आगे समझ में आपको क्लियर हो गया। देखो ये सेंटेंस तो क्या दे रखा है गलत दे रखा है, क्या दे रखा है गलत दे रखा है। तो हमें क्या करना है इसे सही कर्मों में, जो वाक्य तभी होता है जो वो सही कर्मों में व्यवस्थित तरीके से हो। तो देखो थे डरते जानवर आने पर नदी, उल्टा वाक्य है हमने सही कर लिया। देखो नदी पर आने से जानवर डरते थे। ठीक है, अगला है चला मैं दूसरी में किसी गुफा जाऊंगा, वाक्य क्या अगला, चला मैं दूसरी में किसी गुफा जाऊंगा, किसी गुफा जाऊंगा। ठीक है, इस तरह का सेंटेंस आपका बना है, गलत सेंटेंस है। आप भी जानते हो, जानते हैं ना बेटे वाक्य गलत है। तो हमें क्या करना है सही लिखना है, मैं किसी दूसरी गुफा में चला जाऊंगा, मैं किसी दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। आगे बड़ा समझ में आपको, देखो मैंने अपने मन से इसमें कुछ भी शब्द नहीं लिखे, लिखे क्या देखो आप मैच करो, नहीं लिखे ना, मैंने अपने मन से इसमें कोई शब्द नहीं डाले। आपको क्या करना है इन्हीं शब्दों में से छाट कर वाक्यों को सही तरह से व्यवस्थित करके शब्दों को लिखना। जैसे मैं कहीं जा रहा हूँ, वाक्य सही है ना, या उल्टा सीधा कर लोगे तो वाक्य नहीं सेंटेंस जमेगा। तो एक गलत वाक्य हमने इसे क्या कराया बेटा सही कराए। तो आपको मैं HW के लिए कार्य डाल लेती हूँ इसका बेटा, जो आपको उतारो मेरे साथ साथ।
ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपने नहीं उतारा है तो। इसका उतार लिया सबने? वेरी गुड। अब आप वेजिटेबल के लिए कार्ड डालेंगे। डाल दे वेजिटेबल। अब लिखो खाली को भरिए। सवाल क्या है? खाली को भरिए, जो जगह खाली दे रखी उसको भरना है आपको। खाली को भरिए। किसी जंगल में एक, किसी जंगल में एक रहता था शेर या सिंहार। क्या आएगा इसके अंदर बताओ बेटा? किसी जंगल में एक कौन था? शेर तो सुना ही नहीं अपन ने। क्या सुना था? सिंहार रहता था। सिंहार बहुत, सिंहार बहुत था। क्या था भाई सिंहार बहुत? मूर्ख था या चतुर था बेटा बताओ जल्दी से? सिंहार क्या था? बहुत चतुर था, तभी तो चतुराई से उसने अपनी जान बचा ली थी। मगरमच्छ ने उसकी, मगरमच्छ ने उसकी पकड़ ली। टांग पकड़ा है उसका या उसकी नाक पकड़ी थी या हाथ? क्या पकड़ा था? टांग पकड़ ली थी। मगरमच्छ ने क्या पकड़ा था? उसकी टांग पकड़ ली थी। मगरमच्छ सिंहार को के चक्कर में था, के चक्कर में था। खाने या घुमाने के बता जल्दी से? क्या आएगा इसमें? खाने के चक्कर में था मगरमच्छ सिंहार को, खाने के चक्कर में था। आगे बढ़े समझ में सबको? आपको कुछ नहीं करना है। ये चार खाली स्थानों में से कुछ शब्द को मैंने चोरी कर लिया है, तो आपको क्या करना है? इन दोनों शब्दों में से ढूंढ कर या पे इन शब्दों को दोबारा व्यवस्थित तरीके से आपको या रखना है। अगला क्वेश्चन चलेगा आपका बहुविकल्पी प्रश्न। अब देखो मगरमच्छ कहाँ रहता था, पहला क्वेश्चन क्या है अपना? मगरमच्छ कहाँ रहता था, मगरमच्छ कहाँ रहता था? तो आपको पता है मगरमच्छ गुफा में, नदी में, झील में। चलो मैं आपको लिखा लेती हूँ, आप टिक का निशान लगा देना इसमें। गुफा, नदी, झील में। पता है आपको मगरमच्छ कहाँ रहता था? नदी के अंदर। इसमें आपको क्या करना है? टिक का निशान लगाना है। सेकंड, सियार नदी पर क्या करने गया? यहाँ पर गैप छोड़ना है बेटा ताकि काम अच्छे से हो। सियार नदी पर क्या करने गया? अब बताओ सिंहार नदी पर क्या करने गया था? नहाने गया था क्या? नहाने, पानी पीने, या घूमने? अब बताओ जल्दी से देखिए मुझे, यानी सिंहार कहाँ गया था? सिंहार नदी पर क्या करने गया था?
पानी पीने गए थे, इसमें आप क्या करोगे, टिक मार करोगे, यानी ये पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है बेटा, ये पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। देखो आपको क्या करना है, आज दो तो ये क्वेश्चन करने आपको आई डब्ल्यू में दिख रहे ना मेरे सबको, ये दोनों ही क्वेश्चन आपको समझ में भी आ गए कैसे करने हैं। अब देखो ये मैंने करवाई दिया आपको, अब देखो इस कहानी में सिंहार ने मगरमच्छ को मामा कहकर संबोधित किया है, मामा माँ के भाई को, मामा कौन पता जानते हो, मामा कौन है, अपने माताजी के भाई को हम मामा जी बोलते हैं, इनको क्या कहते हैं, सब देखो पिता के छोटे भाई को क्या कहेंगे अपन, चाचा कहते हैं, माँ की माँ को नानी कहते हैं, सबको पता है, तो आपको इनको पढ़ना है और इसको भरना है। फिर आगे देखो ये सारणी दे रखी है, दिए गए शब्द जाल में छह जानवरों के नाम ढूंढिए, आपको ढूंढना बेटा इसमें बहुत सारे शब्द दे रखे हैं, इसमें से ढूंढकर आपको जानवरों के इसमें क्या करने नाम लिखने, शेर है इसमें देखो, खरगोश है, हिरण है, बिल्ली है, बंदर है, हाथी है, तो आपको इसमें से ढूंढकर शब्दों को पूरा करना है। आज इसी के साथ मेरी क्लास खत्म होती है, तो आपको क्या करना है, ये पार्ट कंप्लीट हो चुका है, इसके सारे क्वेश्चन आंसर आपको याद करने और मेरे साथ अगली क्लास में टेस्ट के लिए तैयार रहना है। धन्यवाद।